अस्सलाम वालेकुम। आज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का 36 लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग या जिसको फंक्शनल मॉडलिंग भी कहते हैं उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी और हमने पिछले लेक्चर में रियल टाइम सिस्टम्स के ऊपर बात की थी। रियल टाइम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के हवाले से हम बैंकिंग की जो एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं एज ए केस स्टडी उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक जिसको हम SADT भी कहते हैं वो अप्लाई करेंगे ऑन द बैंकिंग एप्लीकेशन। लेकिन इससे पहले कि हम ये एप्लीकेशन स्टार्ट करें या ये कि वो देखें कि SADT क्या चीज़ है और किस तरह क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, लेट्स जस्ट रिव्यू कि कौन सी फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग की टेक्निक्स हैं ताकि हमें पता हो कि 5-6 टेक्निक्स में से सिर्फ हमने दो जो हैं वो इस कोर्स में पढ़ी हैं, क्योंकि जो अक्सर टेक्निक्स हैं उनकी जो रिसर्च है उनके नतीजे में लेटर टेक्निक्स डेवलप हुई हैं। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं दोबारा से फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग टेक्निक्स का जिक्र कर देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन एक टेक्निक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन इसको SASS भी कहते हैं, इस तरह मॉडर्न स्ट्रक्चर एनालिसिस है और रियल टाइम स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। इस टेक्निक को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो बैंकिंग की एप्लीकेशन लेकर हम इस कोर्स में चल रहे हैं उस पर अप्लाई किया था इस टेक्निक को। और उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक है, ये हम आज सीखेंगे और जो हमारी बैंकिंग केस स्टडी चल रही है उस पर इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। और लास्टली PSL PSA है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आज हमारा जो एम्फेसिस है वो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक के ऊपर होगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक क्या है। अ मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्टेड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ हायरार्की ऑफ डायग्राम्स। इसमें भी जो रियल टाइम स्ट्रक्चर एनालिसिस था उसकी तरह एक हायरार्की ऑफ डायग्राम्स बनती है। रियल टाइम स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो डायग्राम्स थे वो डेटा फ्लो डायग्राम्स थे, यहाँ पर डेटा फ्लो डायग्राम नहीं होते। यहाँ पे जो डायग्राम होता है वो कंसिस्ट करता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर और उसके साथ कुछ एरोज होते हैं। जो टॉप मोस्ट डायग्राम होता है उसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं, जैसे कि हम DFTs में कहते थे। तो इस अप्रोच में भी बेसिकली आपने फंक्शनैलिटी को मॉडल करना है, लेकिन डायग्रामेटिकली उसको मॉडल करेंगे। और जिस तरह DFTs में मॉडलिंग करते थे उसी तरह के ऊपर मॉडलिंग होगी, लेकिन इसमें डेटा ऑन द मूव शो नहीं होता बल्कि इसकी मॉडलिंग ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। इनिशियली आप एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसको सॉल्व करना है और उस प्रॉब्लम को फिर आप सब प्रॉब्लम्स में डीकम्पोज करते हैं, उसको आप रिफाइन करते हैं। तो जो टॉप मोस्ट डायग्राम है वो ओवरऑल प्रॉब्लम को डिपेक्ट करता है, जबकि उसकी डीकम्पोज्ड डायग्राम्स जो हैं, डीकम्पोज्ड बॉक्सेस जो हैं, वो सब प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ तक तो DFTs भी इसी तरह काम करते हैं। बेसिकली इट्स अ टॉप डाउन डीकम्पोजिशन। हर बॉक्स का, याद रखें कि SADT में बॉक्सेस यूज़ होते हैं, इसको एक्टिविटी का नाम भी दिया जाता है, फंक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो इन SADT के जो बॉक्सेस होते हैं उसको हर एक का एक नाम होता है। और DFTs में ये सर्कल की सूरत में ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेस को शो किया जाता है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की सूरत में शो किया जाता है। तो SADT के जो बॉक्सेस होते हैं उनके हर एक का यूनिक नाम होना चाहिए ताकि बाकी एक्टिविटी बॉक्सेस से उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके। यूजुअली वी शुड यूज़ वर्ब फ्रेजेस बिकॉज वर्ब फ्रेजेस रिप्रेजेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई काम मॉनिटरिंग करनी है तो हम कह सकते हैं मॉनिटर और परफॉर्म मॉनिटरिंग। तो इट शुड बी अ वर्ब फ्रेज रादर देन अ नाउन और एनी अदर टर्मिनोलॉजी और स्टेट टाइप ऑफ थिंग। इसी तरह हर बॉक्स का एक नंबर होता है, जैसा कि DFTs में भी है कि इसमें हर बॉक्स को आप यूनिक नंबर देते हैं ताकि आप उसको रेफर कर सकें
इन द सिस्टम. अब दूसरा हिस्सा जो है इसका वो एरोज का है. एक बॉक्स में एरोज तीन डायरेक्शन से बॉक्स की तरफ आ सकते हैं, यानी कि बॉक्स के अंदर तीन डायरेक्शन से एरो आ सकते हैं. बॉक्स के लेफ्ट साइड से एरो आ सकते हैं, बॉक्स के टॉप से एरो अंदर आ सकते हैं, और बॉक्स की बॉटम से एरो अंदर आ सकते हैं. जबकि राइट साइड ऑफ द बॉक्स से सिर्फ एरोज बाहर जा सकते हैं. तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इनकमिंग जो इंफॉर्मेशन है वो तीन तरफ से आ सकती है, और इन तीनों तरफ की इंफॉर्मेशन जो है उसके अलग अलग सेमांटिक मीनिंग्स हैं, और जो आउटपुट्स प्रोड्यूस होती हैं किसी भी एक्टिविटी बॉक्स से उसको सिर्फ हम राइट साइड से शो कर सकते हैं. अब इसको अगर आप कंपेयर करें लेट्स से कि DFTs के साथ, तो वहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है. DFTs में आप बेशक राइट साइड के ऊपर आउटपुट शो करें, बेशक लेफ्ट साइड के ऊपर आउटपुट शो करें, बेशक टॉप से आउटपुट शो करें, बेशक बॉटम से आउटपुट शो करें, लेकिन SADT की जो लैंग्वेज है उसके अंदर ये एक सेमेंटिक ग्रामर है, उसका पार्ट है कि डायरेक्शन ऑफ द एरो एंड द लोकेशन वेयर इट एंटर्स इज वेरी स्पेसिफिक. इसके स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं. अगर लेफ्ट से कोई एरो आ रहा है और उसके साथ कोई डेटा है तो उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन है, अगर कोई टॉप से आ रहा है तो उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन है, और इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते. तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखें. आगे मैं चल के आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको ये बात ज़्यादा बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगी. एन एरो पॉइंटिंग इन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स represents things that will be transformed by the box. These are inputs. So, जो भी किसी function में या किसी process में या किसी activity के अंदर inputs आती हैं उनको लाजमन हमने left side से show करना है, और उनकी direction जो है वो arrow से show होगी, और ये सारी inputs जो हैं वो box के left side से box के अंदर enter करेंगी. The arrows pointing down into the top of the box represents control. अब control के ऊपर भी मैं बात करता हूँ कि control क्या है. Control affects how the box transforms things entering from the left. पहली बात तो ये होगी कि जो inputs हैं वो box के left side से enter करती हैं. एक और चीज़ हमने introduce की, और हमने उसको कहा कि ये control है, और कंट्रोल बॉक्स के टॉप से एंटर करता है, और ये वो असूल हैं, ये वो बातें हैं, ये वो गाइडलाइंस हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आउटपुट्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं बेस्ड ऑन दी इनपुट्स. और ये तो आपको अब समझ आई गई होगी कि क्योंकि एरोज बॉक्स से सिर्फ एक साइड से निकल सकते हैं और वो राइट साइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राइट साइड से निकलने वाले एरोज हैं दे रिप्रेजेंट आउटपुट्स विच हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल्स. और किस चीज को ट्रांसफॉर्म किया है, वो इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म किया है. तो कंट्रोल्स जो हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को आउटपुट के अंदर. एक और चौथी चीज भी इसके अंदर है, और वो है मैकेनिज्म. तो वो एरोज जो के बॉक्स में बॉटम से एंटर करते हैं वो मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म प्रोवाइड्स द एनालिस्ट द एबिलिटी टू डॉक्यूमेंट हाउ द फंक्शन विल ऑपरेट, हु विल परफॉर्म इट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का भी उसमें जिक्र हो सकता है, और व्हाट फिजिकल रिसोर्सेज आर नीडेड टू परफॉर्म द फंक्शन. अब ये चार चीज़ें इकट्ठी ऑपरेट करती हैं तो तब एक SADT की एक्टिविटी या SADT का एक बॉक्स कंप्लीट होता है. अभी मैं आपको थोड़ी देर में डायग्राम अभी दिखाता हूँ. तो एक लिहाज से ये चार जो हैं इनको हम आईकॉम भी कह सकते हैं, यानी कि इनपुट, कंट्रोल, आउटपुट और मैकेनिज्म. इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय कंट्रोल्स इनटू द आउटपुट्स, एंड
The mechanisms are used to document the functions, document the human resources, and possibly list all the physical resources that are needed to perform the transformation. लेकिन इसमें भी जो ज़्यादा important है वो input, control और obviously output है. अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक SAGT context diagram. This is a very general purpose diagram. It shows a process and it shows inputs coming in from the left side, controls coming into the box from the top, and mechanisms entering the box from the bottom, and outputs are leaving from the right side. अब ये बड़ी specific चीज है, इसको आप अब distinguish करना शुरू कर सकते हैं data flow diagrams के साथ, कि data flow diagrams में information coming into a process or information leaving the process में कोई direction का या location का important, location की importance नहीं है. Obviously inputs coming in have an arrow pointing towards the process, or outputs leaving the process have arrows pointing in the opposite direction. और दूसरी चीज ये है कि control और mechanism का भी concept data flow diagrams में नहीं है. Usually जो controls हैं वो data stores में capture किए जाते हैं, और जो mechanisms हैं वो भी किसी हद तक या तो प्रोसेस का अपना हिस्सा होते हैं या फिर उसको डेटा स्टोर में किया जा सकता है या एज इनपुट प्रोवाइड किया जा सकता है. तो जो पॉइंट है कि इस लेवल के ऊपर जो SAGT है वहाँ पर आप क्लियरली इन दोनों मॉडलिंग लैंग्वेजेस का फ़र्क देख सकते हैं, यानी कि डेटा फ्लो का भी और SAGT का भी. SAGT इज़ ए मेथडोलॉजी, और जो इसकी मॉडलिंग लैंग्वेज है उसको हम IDEF कहते हैं, IDEF 0. तो इस लिहाज से इन दोनों लैंग्वेजेस के फ़र्क भी अब आपके ऊपर वाजे हो गए हैं, कि इसमें लोकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है. नंबर्स भी बॉक्सेस को करते हैं. इसमें जो SAGT के अप्रोच है इसमें आप देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट को 0 कहते हैं, और वहाँ पर A का जो अल्फ़ाबेट है वो नहीं लगता, यानी कि DFTs में A नहीं होता, प्योरली नंबर्स होते हैं. थोड़ी सी इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं. ये जो डायग्राम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन सिंपल बॉक्स एंड एरोग्राफिक्स. इसमें डेटा स्टोर्स नहीं है, कंट्रोल फ्लो की इंफॉर्मेशन के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास ग्राफिकली नोटेशन नहीं है, लेकिन ये एरोस शो करते हैं डेटा को, और दे कैन ऑल्सो शो ऑब्जेक्ट्स विच आर बेसिकली कंटेनर्स ऑफ डेटा. टेक्स्ट लेबल्स हैं विच आर यूज टू डिस्क्राइब बॉक्सेस एंड एरोस एज वेल, एंड टेक्स्ट डिफाइन प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द डायग्राम एलिमेंट्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे जिक्र किया था कि फाइंडिंग गुड नेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद ग्राफिकल नोटेशंस, क्योंकि दीज थिंग्स रिप्रेजेंट डेटा, और इस डेटा का सही मानी जो है वो उसके नाम से कन्वे होना ज़रूरी है. आप मसलन किसी डेटा एलिमेंट को जो कि एक एम्प्लॉई के इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा हो और वो एरो से शो हो रहा हो एज एन इनपुट इनटू एन IDEF बॉक्स, उसको एक्स या वाई या जी का नाम देंगे तो जो एनालिस्ट्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड गुड नेम्स एंड टू एसोसिएट गुड नेम्स विच रिप्रेजेंट द सेमेंटिक्स ऑफ द डेटा विच इज़ बीइंग सेंट और द एक्टिविटी विच इज बीइंग परफॉर्म्ड. इसी तरह जब आप मॉडलिंग करते हैं तो यू यूज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट एंड एड ग्रेजुअली डिटेल एड करते जाते हैं मॉडलिंग के अंदर. तो टॉप के ऊपर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है विच रिप्रेजेंट्स मोस्टली द एंटायर सिस्टम, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मज़ीद डिटेल शो करते जाते हैं, सक्सेसिव लेवल से सब फंक्शंस को ऐड करते जाते हैं. और ये भी SAGT की टेक्निक का, IDEF मॉडलिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. लिमिटेशन ये है रिकमेंडेशन के तौर पर कि एक IDEF बॉक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में
6 boxes تک ڈیکمپوز کریں. یعنی کہ اگر اس سے زیادہ آپ نے ڈیکمپوز کیا تو اس میں کمپلیکسٹی ایڈ ہونے کا خدشہ ہے, اور جو ماڈلنگ کا مقصد ہے وہ کمپلیکسٹی کو مینیج کرنا ہے, نہ یہ کہ سسٹم کو کمپلیکس کر دیا جائے. اسی طرح جب ہم یہ گریجول ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں, گریجول ایکسپوزیشن آف ڈیٹیل کرتے ہیں, تو اس کے ایکویولنٹ ہم ایک نوٹ چارٹ ڈیولپ کرتے ہیں. دیٹ نوٹ چارٹ پرووائڈز اے کوئک انڈیکس فار لوکیٹنگ ڈیٹیلز ود ان دی ہائرارکک اسٹرکچر آف دی ڈائیگرام. نوٹ چارٹ از اے امپورٹنٹ پارٹ آف دی ایس اے ڈی ٹی ماڈلنگ. اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیلڈ چیزیں نہیں ہوتی, صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ کون سے لیول کے اوپر ہے اور کون سے چارٹ سے یہ ہمیں مل سکتی ہے, یا کون سے چارٹ کے اوپر اس کی ہم ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں. یو آلویز اسٹارٹ ود لیول زیرو, جس کو کانٹیکسٹ ڈائیگرام بھی کہا جاتا ہے. دس از دی اسٹرکٹ پارٹ آف دا اسٹینڈرڈ دیٹ ہیلپس آئیڈینٹیفائی دی اوور آل ڈسکرپشن آف دا سسٹم. A non-context diagram has from 3 to 6 boxes. This helps us in managing details. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 6 سے زیادہ اگر ایکٹیویٹی باکسز ہوں گے ایک ڈائیگرام میں تو کمپلیکسٹی بہت بڑھ جائے گی اور اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور جب کلٹرڈ ڈائیگرامس ہوں تو ان کو پڑھنا اور ان سے کوئی میننگ فل انفارمیشن گین کرنا that becomes a task in and of itself. Har activity box jo hai wo numbered hota hai, aur this number is written on the lower right corner. Isko agar aap compare karte hain DFTs ke sath, to DFTs ke jo numbering hai wo usually it appears in the center of the circle, ya jo us activity ka naam, us process ka naam hota hai usse upar آتی ہے, اور یوزلی دس از دا سینٹر اور ٹاپ سینٹر آف دی سرکل, لیکن ایس اے ڈی ٹی میں اٹ از آن دی لوور رائٹ کارنر, اینڈ دس گیوز اے کنسسٹنٹ وے ٹو لے آؤٹ دا ڈائیگرام. ایک لحاظ سے کنسسٹنسی, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے دس گیوز اس دی لیول آف ڈیٹیل, کے اے زیرو کا مطلب ہے کہ اٹس دا ٹاپ لیول ڈائیگرام, اے ون اینڈ سو فورتھ. And that this also deals with the management of the diagrams, ke arrows are only in horizontal or vertical segments. In other words, they are never diagonal. Aapne koi diagonal arrow nahi dekha tha icon mein, jo maine abhi aapko SDT ki diagram dikhai thi. This also makes diagram more readable. Agar comparison karein readability ke lihaz se SDT ka, تو ود ادر ڈائیگرامیٹک نوٹیشنز, لیٹس سے کہ ڈی ایف ٹیز, تو ایس اے ڈی ٹی ہیز اے مچ گریٹر ریڈیبلٹی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان پٹس لیفٹ سے آ رہی ہیں, کنٹرولز ٹاپ سے آ رہے ہیں, میکینزمز باٹم سے آ رہی ہیں, اور جو آؤٹ پٹس پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ رائٹ سائڈ سے باکس سے باہر نکل رہی ہیں. یوزلی ہر باکس کا ایک کنٹرول ہوتی ہے, اور ہر باکس میں یوزلی ایک آؤٹ پٹ پروڈیوس کی جاتی ہے. اب اس کی یا اس کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا یہ کیوں مینشن کرنا ضروری ہے؟ یہ اس لیے مینشن کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ ایک بیسک پرنسپل رکھیں یا بیسک رول رکھیں, تو اس سے آپ ان نیسیسری ایکٹیویٹی باکسز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, کہ وہ باکسز جو آؤٹ پٹ پروڈیوس نہیں کر رہے ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ رول اور گائڈ لائن ایز فار ایز دس ٹائپ آف ماڈلنگ از کنسرنڈ. اسی طرح جو لیول ہے, یعنی کہ لیول آف ڈیٹیل جو ہے, وہ امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ماڈل کرنے میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے. مثلا یہ کہ جو ٹاپ لیول ڈائیگرام ہے وہ اوور آل سسٹم کے کیریکٹرسٹکس کو, سسٹم کی ان پٹس کو اور آؤٹ پٹس کو ڈسکرائب کرتا ہے, اور جو اس کے کنٹرول اور میکینزم ہیں ان کو شو کرتا ہے. اور جیسے جیسے ہم ڈیٹیل پرووائڈ کرتے جاتے ہیں, ویسے اس کی جو گرینولیرٹی ہے, جو اس کی لیول آف ایبسٹریکشن ہے, وہ ریفائن ہوتی جاتی ہے,
और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कम होता जाता है और ग्रैनुलैरिटी भी कम होती जाती है. जो लोएस्ट लेवल फंक्शंस होते हैं दे आर यूजुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और उनकी ज़रूरत डिज़ाइनर्स को होती है एंड दे टेक दैट डायग्राम एंड दे कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग द एप्लीकेशन. जबकि जो टॉप के डायग्राम्स होते हैं वो ओवरऑल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं. अगर हम सब को एक ही लेवल के ऊपर ले आए तो उससे जो कन्फ्यूजन पैदा होगी वो एलिमिनेट हो जाती है. बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं कि यू हैव स्टेप वाइज रिफाइनमेंट एंड यू यूज़ एब्स्ट्रैक्शन. तो उनको ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो अप्रोच है, बड़ी वंडरफुली मॉडल कर रही है. अब हम डिस्कस करते हैं हमारी जो बैंकिंग केस स्टडी है जिसको हम इस सेमेस्टर में, इस कोर्स में थ्रू आउट लेके चले हैं, उसकी बात करते हैं. और उसको डिस्कस करने के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपको वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आप उसका एक SADT मॉडल डेवलप कर सकें. हम बात कर रहे थे ATMs की जो कि एक बैंक के साथ अटैच्ड हैं और हर ATM में कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनमें कार्ड रीडर है, प्रिंटर है जिसमें एक डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड लगा हुआ है और इस तरह एक कैश डिस्पेंसर है. जिस बैंक की हम मॉडलिंग कर रहे हैं उसने अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड इशू किए हुए हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं अपनी ATMs से ट्रांजैक्शंस करने के लिए. और इसी तरह ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बेसिकली तीन तरह की हैं, तीन अकसाम हैं उनकी. एक विड्रॉल ट्रांजैक्शंस हैं, एक क्वेरी अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं और तीसरी ट्रांसफ़र फंड्स की ट्रांजैक्शंस हैं. और इन की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं और इनकी रिजेक्शन भी आ सकती है. यानी कि बैंक ट्रांजैक्शंस को अगर अप्रूव ना करे तब भी कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है और अगर ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए और कंप्लीट हो जाए तब भी कस्टमर को एक रिसीट इशू की जाती है. इसी तरह बाज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टाइप प्रोसेसेस हैं. मसलन ये कि अगर कार्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका है या ये कि कार्ड लॉस्ट और स्टोलन रिपोर्ट हो चुका है तो उस सूरत में भी जो ATM है वो प्रॉपर एक्शन लेती है विच इज़ टू कन्फिस्केट द कार्ड एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू द कस्टमर. और द सिस्टम ऑल्सो टेक्स इंटू अकाउंट द फैक्ट दैट अगर विड्रॉल की ट्रांजेक्शन है, विड्रॉल फंड्स की, तो क्या ATM में और उससे पहले क्या अकाउंट में इतनी रकम है कि कस्टमर को दी जा सके और ये कि लोकली ATM में इतना कैश अवेलेबल है जो कि कस्टमर को दिया जा सके. तो इसी तरह की चीज़ें हैं. और फिर आखिर पर ऑपरेटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दो तीन किस्म की ट्रांजैक्शंस कर सकता है. वो रूटीन मेंटेनेंस के लिए सिस्टम को शट डाउन कर सकता है, उसको रीस्टार्ट कर सकता है या उसको कैश रिप्लेनिश करने की भी उसके पास एक टास्क है. तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह SADT में मॉडलिंग कर सकते हैं. आप स्क्रीन पे बैंकिंग सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कुछ इनपुट्स हैं और कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ मैकेनिज्म की एरोज अंदर जा रहे हैं और कुछ आउटपुट्स प्रोड्यूस हो रही हैं. अब हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं. जो इनपुट्स हैं वो कार्ड इन्फो है, यानी कि कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है. इसी तरह पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है कस्टमर का और ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है. फिर ये एबिलिटी कि अगर कस्टमर ने ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया है तो इस ऑप्शन को भी हम सिस्टम के अंदर एज एन इनपुट भेज रहे हैं. और लास्टली ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ATM के ऑपरेटर भेजते हैं टू द ATM सिस्टम टू शट डाउन द ATM और टू रीस्टार्ट द ATM और टू रिप्लेनिश कैश. इसी तरह जो कंट्रोल
ATM सिस्टम में आ रहे हैं वो ATM यूजेज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. ये एक ब्रॉड कैटेगरी हो सकती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की ATM की यूजेज की कंडीशंस हैं वो मेंशन हो सकती हैं. इसी तरह बैंक अप्रूवल्स हैं जो कि एज कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल हैं. और फिर लॉस्ट एंड स्टोलन कार्ड्स की लिस्ट भी इस सिस्टम में एज ए कंट्रोल आ सकती है. और इसी तरह जो मैकेनिज्म है उसमें जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो टेलीफोनी के ऊपर चल रहा है या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर वो ATMs कर रही हैं ऑपरेट या जो भी इंटरनेट पे ये ट्रांजैक्शंस जाएंगी उनका जिक्र मैकेनिज्म्स में आएगा. इसी तरह जो सॉफ्टवेयर टूल्स और मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेसिस यूज़ करते हैं उसको भी हम मैकेनिज्म के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं. और ऑपरेटर के भी यहाँ हम जिक्र कर सकते हैं कि ऑपरेटर ही है जो सिर्फ ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है. और इस तरह ये मैकेनिज्म है. अब हम आउटपुट्स देखते हैं. आउटपुट्स में कैश डिस्पेंस किया जाता है वो दिखाया गया है. डिस्प्ले मैसेजेस हैं जिनकी मदद से एक ATM कस्टमर या एक ATM ऑपरेटर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस और अपने डाटा को ATM सिस्टम में फीड करता है. तो एक लिहाज से ये जो डिस्प्ले मैसेजेस हैं ये इनपुट की सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए या इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरैक्टिव इनपुट वसूल करने के लिए एक यूज़फुल मैसेजेस हैं. और डिस्प्ले मैसेजेस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं और हर मैसेज का यहाँ पर जिक्र नहीं करना ज़रूरी. उनको ब्रॉडली एक ही कैटेगरी में डिस्प्ले मैसेजेस के तौर पर शो कर दिया गया है. और लास्टली आप देख रहे हैं कि ये रिसीट है जो कि कस्टमर को दी जाती है. और A0 इस डायग्राम का नंबर है. तो ये बैंकिंग सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है जिसको अब हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अब हम ये करते हैं कि इसको डिकम्पोज करते हैं इनटू सब फंक्शंस. तो अभी आप देख रहे हैं SADT लेवल 1 डायग्राम. क्योंकि डिस्टिंक्टली अगर आप गौर से देखें तो दो पर्सपेक्टिव से हम SADT डायग्राम बना सकते हैं. एक तो कस्टमर के लिहाज से, यानी कि कस्टमर की जो फंक्शंस हैं, और दूसरा ऑपरेटर के लिहाज से. और चूंकि ये दोनों एक्सटेंसिवली बिजी डायग्राम्स हैं जिनको हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स वगैरह आती हैं, तो मैंने ये किया है कि इन दोनों को सेपरेटली शो किया ताकि आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें. इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो SADT लेवल 1 डायग्राम है विच डील्स विद दी परफॉर्म ATM सर्विसेज, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो कि ATM कस्टमर के लिहाज से, यानी कि जो ATM की बेसिक सर्विसेज हैं उनको जो मीट करती हैं. तो इसमें जो इनपुट्स आ रही हैं वो कार्ड इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन है, और कैंसिल अगर ट्रांजैक्शन की जाए तो उसकी इनपुट है. और इसके कंट्रोल्स और इसके मैकेनिज्म्स भी वही हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट लेवल के थे. और इसी तरह इसके जो आउटपुट्स हैं वो भी कैश डिस्प्ले मैसेजेस और रिसीप्ट हैं. अब ये तो आप समझ ही चुके हैं कि तमाम आउटपुट्स शो कर दी जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि तमाम आउटपुट्स तमाम ट्रांजैक्शंस की सूरत में लाजमन प्रोड्यूस की जाए. मसलन अगर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेरी अकाउंट की है या ट्रांसफ़र फंड्स की है, तो उस सूरत में कैश की जो आउटपुट है वो नहीं प्रोड्यूस की जाएगी. ये तो एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था. इसमें आप ये नोट करें, इस डायग्राम में और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में ये फ़र्क है कि जो ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने इस डायग्राम में शो नहीं की, क्योंकि ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्योंकि ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हैं जो कि एक ATM ऑपरेटर परफॉर्म करता है, और उसका उन इंस्ट्रक्शंस का ATM के नॉर्मल एग्जीक्यूशन से या नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड करने से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया. वो जब ऑपरेटर की सर्विसेज के ऊपर हम बात करेंगे उस वक्त उसमें
ऑपरेटर सर्विसेज की इनपुट को भी शो करेंगे। तो अभी आपने एक डायग्राम देखा जिसमें जो एक्टिविटी रिलेटेड है एटीएम की कस्टमर के सर्विसेज के लिहाज से उनको शो किया गया था, और चूंकि ऑपरेटर के लिहाज से भी लेवल वन है इसलिए हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, और इनको सेपरेट मैंने इसलिए किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे और इतनी ज़्यादा क्लटरिंग ना हो और डायग्राम क्लीन रहे। ऑल्दो जब आप ब्रेक डाउन करते हैं यूजिंग द टूल यू वुड हैव देम ऑन द सेम डायग्राम। अब हम एसिडिटी लेवल 2 को देख रहे हैं, और इस लेवल में जो एटीएम सर्विसेज की डिटेल्स हैं उनको मज़ीद डीकम्पोज किया गया है, मज़ीद उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो इस एक्टिविटी में या इस डायग्राम में हमारे सामने 4 एक्टिविटीज़ मज़ीद हैं, यानी कि A11, A12, A13 और A14। A11 क्या है? A11 रीड एंड वैलिडेट कार्ड है। A12 प्रोसेस रिक्वेस्ट है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी जो रिक्वेस्ट की गई है उसको प्रोसेस करने के लिए ये एक्टिविटी। फिर डिस्पेंस कैश की एक्टिविटी है, और इसी तरह प्रिंट रिसीट की जो एक्टिविटी है वो A14 के साथ हमने उसको नंबर किया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 एक्टिविटीज़ शो की हैं, यानी कि जो लेवल 1 की डायग्राम थी उसको मैंने सिर्फ लेवल 1 के जो बॉक्स था तो मैंने सिर्फ 4 बॉक्सेस में मज़ीद डिकम्पोज किया है। मुख्तलिफ मॉडलिंग करने वाले इसको मुख्तलिफ तरीक़ से मॉडलिंग कर सकते हैं। याद रखें कि मॉडलिंग जो है वो मॉडल करने वाले के अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल डिज़ाइन की प्रेफर्ड अप्रोचेस होती हैं वो, और एप्लीकेशन डोमेन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये मैथमेटिकल साइंसेज नहीं है। अगर मैं ही इसी एप्लीकेशन को किसी और वक्त में दोबारा सॉल्व करूं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आई वुड कम अप विद अ डिफरेंट लेवल, और आई वुड कम अप विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल, और एन मुमकिन है कि मैं इसमें 4 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को शामिल कर दूँ। तो मुख्तलिफ ऑथर्स, मुख्तलिफ मॉडलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक से फंक्शनल ब्रेक डाउन, फंक्शनल डिकम्पोजिशन करते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि वन इज़ ऑलवेज बेटर देन दी अदर। हम ये कह सकते हैं कि इन ए गिवन सिचुएशन दिस इज़ वन फंक्शनल डिकम्पोजिशन, एंड समवन मे थिंक टू डिवेलप अनदर फंक्शनल डिकम्पोजिशन। ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नो टू मॉडलर्स थिंक अलाइक, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो एप्लीकेशन डोमेन की नॉलेज है और ये कि जो उनकी एक्सपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू द मॉडलिंग लैंग्वेज एज वेल एज द एप्लीकेशन डोमेन, देयर मॉडलिंग विल ऑलवेज बी डिफरेंट। मैंने ये एक मॉडलिंग आपके सामने रखी है, इसको हम वन बाय वन करके अब डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो एक्टिविटी इस डायग्राम में है A11 की, वो रीड एंड वैलिडेट कार्ड की है। इसमें इनपुट जो है वो कार्ड इन्फो है, और इसकी जो कंट्रोल्स हैं वो ATM यूजेज टर्म्स एंड कंडीशंस, इसी तरह लॉस्ट एंड स्टोलन कार्ड्स की जो लिस्ट है वो भी इसमें एज ए कंट्रोल आती, और इससे एक आउटपुट प्रोड्यूस होती है जो कि वैलिड कार्ड इन्फो है। अब वैलिड कार्ड इन्फो हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन देन कार्ड इन्फो, क्योंकि उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंट्रोल्स। और दूसरी एक्टिविटी जो है वो है प्रोसेस रिक्वेस्ट की, उसका नंबर है A12। ये जो एक्टिविटी है इसमें 3 इनपुट्स आ रही हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये कि कस्टमर हैज़ चोजन टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन।
और जो आउटपुट हमने रीड एंड वैलिडेट कार्ड में प्रोड्यूस की थी वो इस एक्टिविटी में एज ए कंट्रोल आ रही, यानी कि ये एबिलिटी कि हम एक एक्टिविटी की आउटपुट को दूसरी एक्टिविटी की इनपुट भी बना सकते हैं जैसा कि हम आगे देखेंगे, और ये एबिलिटी के एक एक्टिविटी की आउटपुट को हम किसी और एक्टिविटी के कंट्रोल के तौर पर यूज कर सकते हैं, एक जबरदस्त रिचनेस इस अप्रोच को देती है। और अगर आप दोबारा गौर से देखें इस पिक्चर को, इस डायग्राम को, तो जो प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्टिविटी है वो बैंक अप्रूवल्स को भी एज ए कंट्रोल उसको वो मिल रहे हैं, और जो इसकी आउटपुट्स हैं वो द अमाउंट ऑफ कैश टू बी डिस्पेंस्ड है, डिस्प्ले मैसेजेस हैं और रिसीव डेटा है। अगर आप थोड़ी देर गौर करें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी तक जो दोनों एक्टिविटीज़ हमने कंसिडर की हैं, यानी कि रीड एंड वैलिडेट कार्ड एंड एज वेल एज प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्टिविटी, कैन बी फर्दर डिकम्पोज्ड टू प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट्स, कंट्रोल्स, मैकेनिज्म एंड आउटपुट्स। और स्पेशली जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है उसकी तो बहुत अच्छी डिकम्पोजिशन हो सकती है। तीसरी एक्टिविटी जो हमने शो की है वो डिस्पेंस कैश की एक्टिविटी है, और इसमें अमाउंट ऑफ कैश टू बी डिस्पेंस्ड एज एन इनपुट आता है, और ये जो इनपुट है ये प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्टिविटी की आउटपुट है। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि इस मॉडलिंग में, और ये ऑप्शन तो हमारे पास DFTs में भी है, कि एक प्रोसेस की आउटपुट जो है वो दूसरे प्रोसेस की इनपुट बनती, और ये SADT में भी है। जो डिस्पेंस कैश की एक्टिविटी है वो सिर्फ एक कंट्रोल लेती है और वो ATM conditions हैं, और पर्टिकुलरली जो इस ATM conditions में एक चीज़ शामिल है वो अवेलेबिलिटी ऑफ funds, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एट द लोकल ATM है, क्योंकि अगर वो कैश होगा तभी वो कस्टमर को दिया जा सकता है। इसी तरह अब हम कंसिडर करते हैं A14 एक्टिविटी को, जो कि प्रिंट रिसीट के नाम से आप देख रहे हैं। इसमें इनपुट आती है रिसीप्ट डेटा के नाम से, और रिसीप्ट डेटा आउटपुट है प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्टिविटी की, और इस प्रिंट रिसीप्ट एक्टिविटी में भी ATM conditions के नाम से एक कंट्रोल आ रही है, और यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है कि मसलन पेपर जो है वो रिसीट प्रिंटर में पेपर रोल अवेलेबल है, अगर नहीं है तो फिर रिसीट प्रिंट नहीं हो सकती, और इस एक्टिविटी की जो आउटपुट है वो एक रिसीप्ट है, यानी कि एक फिजिकल एंटिटी है जो कि कस्टमर को दे दी जाती है। अब इस SADT डायग्राम को अब दोबारा गौर से देखें कि किस तरह ये फंडामेंटली उन तमाम एक्टिविटीज़ को, उन तमाम सर्विसेज को जो कि एक ATM कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, मॉडल करती है एट ए सर्टन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज लेवल 2 ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि सबसे पहले या एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम जो है वो कार्ड को पढ़ना और कार्ड को वैलिडेट करना है। दिस मॉडलिंग टेक्निक दैट इज द SADT ओनली डिस्क्राइब्स व्हाट इज डन, नॉट हाउ इट इज डन, क्योंकि हाउ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एल्गोरिथमिक डिटेल्स हैं जो कि हिडन हैं इन एक्टिविटी बॉक्सेस के अंदर, लेकिन हम कंट्रोल की सूरत में वो इंफॉर्मेशन जो कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये वो मॉडलिंग टेक्निक है जो ना सिर्फ इनपुट्स देती है, या इसके जो फंक्शंस हैं वो ना सिर्फ इनपुट्स रिसीव करते हैं बल्कि एल्गोरिथमिक डिटेल्स या एल्गोरिथमिक कंस्ट्रेंट्स भी इसको एज कंट्रोल प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसको मैं इनपुट इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो आउटपुट्स, जबकि कंट्रोल्स को, कंट्रोल डेटा को भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन अप्रायरी नॉलेज और बास एक्टिविटीज़ में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इनपुट है बेसिकली उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो कंट्रोल्स हैं दे कंट्रोल द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एल्गोरिथमिक इंफॉर्मेशन है,
बाज़ दफ़ा डोमेन नॉलेज है, बाज़ दफ़ा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन वगैरह आती है। अब इस को एक दफ़ा फिर मैं डिस्कस कर रहा था कि इसको अगर हम गौर से देखें तो ये तमाम वो एक्टिविटीज़ जो कि कस्टमर को नेसेसरी हैं वो प्रोवाइड कर देता है, यानी कि उसका कार्ड भी रीड और वैलिडेट किया जाता है, उसकी ट्रांजैक्शंस को भी प्रोसेस किया जाता है, फिर अगर वो कैश डिस्पेंस करना है तो कैश दे दिया जाता है और रिसीप्ट तीनों ट्रांजैक्शंस की सूरत में दे दी जाती है, और इसी तरह अगर कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन को कैंसिल करता है तो उस सूरत में भी उसकी इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया जाता है। टू मेक थिंग्स फेयरली एट लेवल्स एंड टू बेसिकली इन्फॉर्म यू अबाउट दिस मॉडलिंग अप्रोच, आई हैव नॉट रिकम्पोज्ड इट फर्दर, ऑल्दो इट कैन बी डन, बट आई वॉन्टेड टू स्टे एट अ लेवल वेयर कॉन्सेप्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड वर्किंग्स ऑफ एसिडिटी मॉडलिंग। तो अभी आप देख रहे थे वो स्लाइड जो कि एसिडिटी मॉडल लेवल 2 को मॉडल करती है एज फार एज द सर्विसेज टू द कस्टमर्स आर कंसर्न। अब हम देखते हैं कि जो ऑपरेटर है उसको भी तो सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करती है एटीएम, वो कौन सी सर्विसेज हैं। तो अब आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो भी एसिडिटी लेवल 1 डायग्राम है और इसकी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म ऑपरेटर सर्विसेज है एज़ कम्पेयर टू एटीएम सर्विसेज, और इसके इनपुट्स जो हैं वो सिर्फ 3 हैं, यानी कि शट डाउन मैसेज है, स्टार्टअप मैसेज है और कैश अमाउंट, दैट इज़ अमाउंट दैट हैज़ बीन रिप्लेनिश्ड इन द कैश डिस्पेंसर। और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो वही हैं, यानी कि एटीएम यूसेज टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले मैसेजेस है। In other words, this is a very simple level 1 diagram. तो इस diagram से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो services operator को provide करती है ATM वो minimal है और उस level पर नहीं है जो कि एक customer की services है। तो आज हमने जो discussion की है वो functional modeling की एक technique, structured analysis and design की है, उसको discuss किया है, और दिस टेक्निक वाज फेयरली पॉपुलर इन मॉडलिंग लार्ज सिस्टम्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने देखा है आज कि ये बड़ी स्पेसिफिक सिमेंटिक्स अटैच करती है एरोज़ के साथ कि वो किस जगह पर हैं, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से एरो है और वो बॉक्स के अंदर दाखिल हो रहा है तो उसका मतलब इनपुट है, अगर एरो बॉक्स के टॉप से दाखिल होता है तो उसका मतलब कंट्रोल है, अगर बॉक्स के बॉटम से एक एरो आता है तो उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं, और जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ बॉक्स के राइट साइड से एग्जिट कर सकते हैं। आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कन्वर्जन जो है ये कंट्रोल की मदद से होती है, और मैकेनिज्म भी इसके अंदर एक यूज़फुल पार्ट प्ले करते हैं। इसी तरह हमने इस मॉडलिंग टेक्निक को ये भी देखा कि ये मॉडलिंग टेक्निक जो है ये टॉप लेवल से स्टार्ट करके बॉटम तक, यानी कि रिफाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ग्रेजुअल एक्सपोजिशन ऑफ डिटेल में यूज़फुल है, which helps us in managing confusion in large and complex systems. फिर हमने जो हमारी banking study है, case study चल रही है, उसके ऊपर एक इसका solution apply किया है, और उस solution जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ level 2 तक हम लेकर गए हैं, क्योंकि इसका मकसद जो था वो आपको एक मॉडलिंग टेक्निक से फेमिलराइज करना था। आप बुक्स में एसिडिटी के ऊपर डिटेल से पढ़ सकते हैं, और क्योंकि हम बैंकिंग स्टडी के स्टडी को थ्रू आउट इस कोर्स में लेकर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन करने में या जो हमने डिकम्पोजिशन डिस्कस की है उसको समझने में, यानी कि एसिडिटी मॉडल को
समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी को हम पहले स्टैटिकली ऑब्जेक्ट मॉडल में डिस्कस करके आए हैं, फिर हमने इसका रियल टाइम स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन अप्रोच से एक फंक्शन मॉडल बनाया है, और आज हमने इसका SADT की टेक्निक यूज़ करते हुए या स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक की जो IDF मॉडलिंग है उसको यूज़ करते हुए एक फंक्शनल मॉडल हमने इसका डेवलप किया है। आज हमारी फंक्शनल मॉडलिंग के ऊपर जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर से हम डायनामिक मॉडलिंग के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन डोमेन को जब हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो डायनामिक मॉडल उसमें क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायनामिक मॉडल है क्या और ये स्टैटिक मॉडल से किस तरह मुख्तलिफ है। तो आई होप कि इन द लास्ट 3 लेक्चर्स यू हैव गेन्ड इनफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फंक्शनल मॉडलिंग टेक्निक्स, अबाउट व्हाट आर द रीजंस वी डू फंक्शनल मॉडलिंग एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग फंक्शंस इन एन एप्लीकेशन डोमेन। सो टिल देन, दैट इज टिल नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी वेन विल डिस्कस डायनामिक मॉडलिंग, आई टेक लीव ऑफ यू। थैंक यू।